आज जो हम पाउच बनाने जा रहे हैं उसके लिए कोई ख़ास मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। कॉइन पाउच बनाना है तो इसके लिए मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ था 4 इंच बाई 16 इंच का पीस। तो अब इस 4 इंच बाई 16 इंच के पीस को हम डबल कर लेंगे, या आप 4 बाई 8 इंच का पीस अगर आपके पास क्विल्टेड पड़ा हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और मैं इसमें आपको 2 पाउच बताऊँगी। ये हमारे पास 2 पीस हो गए, 4 बाई 8 इंच के 2 पीस हो गए। अब चाहे आप 1 पीस ले लें चाहे 2 पीस ले लें, बनना एक ही चीज़ है। तो इसके लिए अब हमें 4 इंच की ज़िप चाहिए होगी। ये हमने 4 इंच की ज़िप ले ली, 2 पीस ले लेंगे। ये 2 ज़िप हो गई, ये 2 रनर हो गए और थोड़ी सी पाइपिंग हो गई। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है और ये मिनटों में बन जाते हैं, तो एक ही बार में हम 2 पाउच बना लेंगे। अब ये जो ज़िप है 4 इंच की, इसको 4 इंच के एरिया पर लगा देंगे। यहाँ पर ज़िप का दूसरा सिरा फिनिशिंग देने से पहले, अब यहाँ पर ये ज़िप हमारी जुड़ी हुई है तो इस पर हम मशीन चला देंगे, क्योंकि ये छोटा पाउच है और इसको यहाँ पर इसलिए सिला गया है जिससे कि जब हम रनर डालें तो ये हिस्सा खुले नहीं और सिलाई भी हमारी सफाई से हो जाए। अब इसको हम पूरा खोल देंगे, ये हमारा यहाँ जुड़ा हुआ है। अब इस पर हम फिनिशिंग की मशीन चला देंगे। ये हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एकदम बराबर से आ गया है। ये जो पीस मैंने अभी छोड़ा हुआ है ये तो एक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि इसको सिलने से पहले हम ज़िप पर ही मशीन चला दें खुले पीस में। दोनों आइडिया है, ज़िप हमारी लॉक हो गई। अब इसमें हम फिनिशिंग देंगे। इस तरह से 2 तरीके से हम ज़िप को ऊपर लॉक कर सकते हैं। अब जो नीचे का खुला पीस है उधर से हम रनर डाल देंगे। ये हमारा लॉक हो गया। अब इसको हम ये ज़िप का सेंटर पकड़ेंगे, इसका सेंटर पकड़ेंगे, यहाँ कट का निशान लगाएंगे और इसके साथ इसको यहाँ पर पकड़ते हुए सिल देंगे। और अब यहाँ ऊपर इस ज़िप को पकड़ेंगे और इसको इस तरह से सिल देंगे। ये कुछ इस तरह से आना चाहिए। ये दोनों पाउच हमारे इस तरह से तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे, जो सिलाई दिख रही है उसको पाइपिंग से कवर कर देंगे। और ये इस तरह से कॉइन पाउच कंप्लीट हो गए। इसकी जो जिप है वो ऊपर की तरफ रहेगी, खुलेगी नीचे। इसमें आप अपना कॉइन रख सकती हैं, बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दे सकती हैं, मेडिसिन रख सकती हैं, जैसे भी आप यूज़ करना चाहें, हल्दी कुमकुम दे सकती हैं गिफ्ट में। और इसमें जो पाइपिंग चढ़ाई है तो मैंने यहाँ पे और भी बना के रखे हैं, तो अगर आप पाइपिंग नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो इसको अंदर से सिलाई करके सिंपल छोड़ दीजिए। ये देखिए सेम प्रोसीजर में ये भी बना है, बस पाइपिंग नहीं लगी है और इसमें मैंने ये अंदर सिलाई ऐसे डबल दे के छोड़ दी है। और अगर आप बाहर से सिलाई दे रहे हैं तो बाहर पाइपिंग देनी पड़ेगी, अंदर से दे रहे हैं तो पाइपिंग की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 5 बाई 10 इंच का बनाया है, ये 4 बाई 8 इंच का बनाया है। आपके पास अगर 8 बाई 8 का कोई पीस पड़ा हो तो आप उसको बीच में से हाफ करके 2 बना सकती हैं, नहीं तो 4 बाई 8 का ले सकती हैं। इस तरह से जो भी आप साइज़ लेना चाहें
पाइपिंग और बगैर पाइपिंग के इस तरह से कॉइन पाउच तैयार कर सकती हैं। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ यूज़फुल नया लेकर आएगी। नमस्कार।